दोस्तों, आज से कई साल पहले जुलाई सन 1947 में लोगों का कहना था कि एलियंस धरती पर आए हैं। तब लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। एक रिपोर्ट ने यह दावा किया था कि लोग जो कह रहे थे वो सही था, जिसका खुलासा 30 साल बाद हुआ था। 1947 में जॉर्जिया के शहर रोजवेल के लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आसमान में उड़न तस्करी यानी कि यूएफओ को देखा है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कमी होने के बावजूद पूरी दुनिया में एलियंस के धरती पर आने का हल्ला हो गया। मामले ने तब और जोर पकड़ लिया जब केनेथ अर्नाल्ड नाम के पायलट ने इस खबर पर मुहर लगा दी। अर्नाल्ड का दावा था कि उन्होंने आसमान में कोई अजीब से चीज उड़ते हुए देखी है। उस समय यूएफओ के बारे में हर कोई नहीं जानता था, तो अर्नाल्ड ने उसको उड़न तस्करी नाम दिया। अर्नाल्ड के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें इस बात का दावा करती है कि आसमान में कुछ तो अजीब सी चीज उड़ रही थी। इस घटना के कुछ समय बाद रोजवेल में कुछ हवाई दुर्घटना हुई। विलियम नाम के किसान को अपने खेत में कुछ गिरता हुआ नजर आया। जब वो उसके पास गए थे तब वहाँ एक विशाल पतंग जैसा कुछ था। वो कोई आम पतंग नहीं थी, उस पर धातु लगा हुआ था और उसे बनाने के लिए प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया था। विलियम को कुछ अजीब सा लगा। फिर क्या था, अखबारों में खबरें आने लगी। खबरों में बताया गया था कि सेना उसकी जांच कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद सेना ने जांच की बात से इनकार कर दिया। सरकार ने दावा किया कि वह एक हॉट एयर बलून था। सरकार के बदलते दावों से जनता असमंजस में पड़ गई थी। सुई अब सोवियत यूनियन पर घूम रही थी और यह बोला जाने लगा कि शायद वो आइटम बॉम्ब तो तैयार नहीं कर रहे। सेना अंदर ही अंदर जांच कर रही थी, लेकिन लोग अभी भी सोच में पड़े थे कि आखिर क्या चल रहा है। सरकार के इस रवैये से लोग यूएफओ की बातों को सच मानने लगे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक एलियंस को मरते हुए देखा। उस बात को काफी समय हो गया है, लेकिन कई लोग आज भी एलियंस के धरती पर आने की बात को सही ठहराते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।